कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। महिलाओं की थाने में पेशी पर सख्ती दिखाई है। ऐसे में यूपी के डीजीपी ने राज्य के सभी इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों के लिए नया फरमान जारी किया है। ये फरमान महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर है। इसमें कहा है कि किसी हाल में पूछताछ के लिए महिलाओं को थाने में नहीं बुलाया जाए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के अपराध के मामले में महिलाओं को थाने में बुलाने को लेकर योगी सरकार सख्त रवैया अपना रही है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को थाने में बुलाकर पूछताछ ना की जाए। बहुत जरूरी होने पर उनसे उनके घर जाकर और परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ की जाए। इसी के साथ केवल संदेह मात्र पर गिरफ्तारी भी नहीं करने के लिए कहा गया है, यानी कि सिर्फ आशंका पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जिले के सभी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के लिए सर्कुलर जारी किया है। डीजीपी ने अपने सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है और कहा है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। जहां कहीं भी इसमें लापरवाही का मामला पाया जाएगा, संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गिरफ्तारी और पूछताछ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कई बार रूलिंग आ चुकी है। ऐसे में आदेशों के अनुपालन में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी थानेदारों विवेचकों के लिए जारी निर्देशों में कहा कि किसी हाल में महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाना चाहिए। किसी के साथ गिरफ्तारी को लेकर भी रूल लागू कर दिए गए हैं। सर्कुलर में डीजीपी ने कहा है कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी केवल संदेह के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जब तक उस महिला के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत ना हो, उसे थाने नहीं बुलाया जाना चाहिए। अगर किसी अपराध में महिलाओं से पूछताछ जरूरी होने की दिशा में उनके घर जाकर परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ हो सकती है, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के पहलू को ध्यान में रखा गया है, जिसकी वजह से नया आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर साफ गाइडलाइन है। इसमें पहले से ही व्यवस्था है कि किसी भी महिला को गिरफ्तार करने की दशा में तत्काल कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पुलिस महिला को गिरफ्तार कर थाने में नहीं रख सकती। इसी प्रकार महिला अपराध के मामलों में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के भी प्रावधान है और अब नया आदेश महिला सुरक्षा को लेकर जारी किया गया है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।